गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वैसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंस को, दो सेंटेंस या तीन सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। ओके, एज यू ऑल नो, फॉर एग्जाम्पल एंड, बट और, बिकॉज। एंड कहाँ यूज होता है? जब सिमिलर आइडियाज होते हैं उसमें हम लोग एंड यूज करते हैं। बट कब यूज करते हैं? जब अपोजिट आइडिया होते हैं तब हम लोग बट यूज करते हैं। बिकॉज, बिकॉज कब यूज करते हैं? बिकॉज हम लोग यूज करते हैं रीजन, रीजन देने के लिए। एंड और जब आइडिया, जब चॉइस रहता है तब हम लोग और का यूज करते हैं। सो ऑल इफ यू ओपन यू पेज नंबर 109। नंबर वन, अनु हैज यूज्ड इनकरेक्ट कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीराइट ईच सेंटेंस बाय करेक्टिंग द एरर्स। यहाँ पर क्या करना है? एरर्स को करेक्ट करना है और आपको रीराइट करना है। ओके, सी हियर, द सन हैज लाइट ऑफ इट्स ओन और द मून डज नॉट। यहाँ पर क्या रॉन्ग है? और रॉन्ग है। क्या होना चाहिए? बट होना चाहिए। बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है? अपोजिट आइडिया हो रहा है। सन के पास लाइट है लेकिन मून के पास लाइट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट आइडिया। राइट हियर। सेकंड, हु हैजंट हैड आइसक्रीम? अली, बिकॉज मिया। यहाँ क्या हो रहा है? आपको चॉइस पूछा जा रहा है, किसने आइसक्रीम नहीं खाया? अली ने नहीं खाया या मिया ने नहीं खाया? ओके, सो यहाँ क्या यूज होगा? और। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा वैसे ही आप लोग सेंटेंसेस लिखोगे। मारिया इज सैड बट शी हैज लॉस्ट हर पर्स। बट यहाँ वो सैड है क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया है। क्या होगा रीजन? क्या लिखूंगी मैं यहाँ? बिकॉज। ओके, जय बट तारा वेंट टू द ज़ू यस्टरडे। यहाँ सिमिलर आइडिया है तो क्या हो जाएगा? एंड। जय एंड तारा वेंट टू द जू यस्टरडे। आई कैन नॉट ड्रिंक कॉफी एंड इट इज वेरी हॉट। यहाँ तो रीजन बताया जा रहा है ना कि मैंने कॉफी नहीं पिया बिकॉज वो बहुत हॉट है। क्या हो जाएगा? बिकॉज। द माइस विल प्ले एंड द कैट इज अवे। क्या हो जाएगा यहाँ? वेन। क्यों? क्योंकि जब कैट दूर रहेगी तभी माइस खेल पाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट व्हेन इट सेट्स इन द वेस्ट। ये आपका सिमिलर आइडिया हो रहा है ना कि सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट की ओर डूबता है, है ना? सो यहाँ एंड हो जाएगा। बट सी हियर, सन की बात हो गई है तो इट नहीं होगा। क्या लिखोगे आप लोग? द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, नाउ द गर्ल लॉस्ट हर आई साइट इफ शी वॉज 10 years old। यहाँ होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? द गर्ल लॉस्ट हर आई साइट। क्या हो जाएगा यहाँ? वेन, जब वो 10 साल की थी तब उसने अपना आकर रोशनी खो दिया। यहाँ द माइस विल प्ले इफ द कैट इज अवे। अगर कैट दूर रहेंगे तभी माइस खेल पाएंगे। ओके, You will get a video game or you do well in your test. क्या होगा? जब आप टेस्ट में अच्छा करोगे तभी आपको वीडियो गेम मिलेगा। If is Rahul your cousin or your brother? आपसे पूछा जा रहा है कि राहुल कजन है या ब्रदर है। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 110। दिस वन, चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है? करेक्ट कंजंक्शन को चूज करना है और फिल करना है। डॉग्स बार्क डैश कैट्स मियाओ। यहाँ क्या हो जाएगा? अपोजिट आइडिया हो रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बट। राइट हियर, बट। ओके, नाउ वर्क हार्ड डैश यू वॉन्ट टू सक्सीड। अगर क्या हो जाएगा? बिकॉज नो, बट नो, इफ। अगर तुम्हें सक्सीड करना है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आपको वर्क हार्ड करना होगा। इफ़ विल यू हैव जैम और मैरमेलेड।
और वी कैन टुगेदर फेरी और गेट बाय रोड, हम लोग रिक्शा ले सकते हैं और रोड से चल सकते हैं, गो बाय रोड. ओके नाउ I could not go to school - I was ill. क्योंकि मैं बीमार थी मैं स्कूल नहीं जा पाई. क्योंकि रीजन बताया जा रहा है ना, तो बिकॉज. आई वॉन्ट द रेड ड्रेस एंड द ब्लू वन, मुझे दोनों चाहिए, रेड ड्रेस एज वेल एज ब्लू ड्रेस. ओके डॉग्स ऑफन बार्क - दे आर एंग्री, जब डॉग गुस्सा होते हैं एंग्री होते हैं तभी वो लोग बार करते हैं, व्हेन दे आर एंग्री. ओके विल यू विजिट मी - यू कम टू दिल्ली, व्हेन जब भी आप दिल्ली आओगे मुझसे मिल लेना. यू विल फॉल इल इफ यू प्ले इन द रेन, अगर आप रेन में खेलोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे. शी ओपन द डोर बट नॉट द विंडो. ओके सो व्हाट इज योर होमवर्क, यू हैव टू फिल दीज एक्सरसाइजेस. थैंक यू.